नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है डाउजिंग के विषय में। ये पिछले 2 दिन जो आपकी छुट्टी रही, उस दिन को आपने यूटिलाइज करके कुछ पुराने वीडियोस देखे होंगे, और कोर्स में चलने में साथ साथ आसानी हो जाती है अगर बीच में एक दो छुट्टियां आ जाएं, रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। जिंदगी के अंदर और भी काफी काम होते हैं तो कई बार लोग पीछे रह जाते हैं अगर बहुत रोज रोज क्लासेस हो रही हो। तो आज जो हम विषय डिस्कस करने वाले हैं वो है हेल्थ डाउजिंग, यानी हेल्थ के संदर्भ में हम डाउजिंग से कैसे मदद ले सकते हैं, ये हमारा आज का विषय। और इसके लिए मैंने एक छोटी सी शीट आपको आज सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में दी है। तो आप सबके पास उसका प्रिंट है? यस सर, यस सर, गुड, यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। तो देखते हैं कि हम हेल्थ के बारे में क्या क्या जान सकते हैं डाउजिंग से। एक होता है कि किसी व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, और एक होता है कि किसी व्यक्ति को जो समस्या है वो समस्या क्यों है। हम जो चर्चा करेंगे आज वो ये है कि समस्या क्या है, क्या समस्या कहाँ है, पहला प्रश्न। तो जैसे मिसाल के तौर पे एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं जो आप खेल खेलेंगे आज रात को। अब आप में से कोई भी घर वाला, उसको बोलेंगे भाई दूसरे कमरे में चले जाओ। दूसरे कमरे में जाके अगर वो अपनी बॉडी पे कहीं भी जोर से चूंकि मारेगा, जोर से लेकिन थोड़ा जोर से, तो आपको बताना है वो उसने चूटी कहाँ मारी है बगैर देखे हुए। ये गेम है, तो मैं आज सिखाऊंगा, उसके बेस पे आप ये गेम कर पाएंगे। अगर आपने गेम ठीक कर ली, अच्छा ये प्लीज म्यूट कर लें, एक सेकंड। कौन अगर ये गेम आपने कर ली तो इसका मतलब आप जो मैं आज आपको सिखाऊंगा हेल्थ डाउजिंग वो आप कर पाएंगे, और किसी को भी कोई अगर व्यक्ति को किसी जगह पे बॉडी में प्रॉब्लम है तो आप बता पाएंगे कि इसको यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो मैंने आपको एक बॉडी का डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में आपको क्या करना है, अपनी फिंगर का प्रयोग करना है, यानी फिंगर ऊपर से धीरे 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 नीचे चलते जाएगी, और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से आपके डाउजर को मैंने हल्की सी ये मूवमेंट दी। ये डाउजर सीधा था, मैंने इसको हल्की सी फॉरवर्ड बैकवर्ड की मूवमेंट दी, और दूसरी तरफ से मैं उंगली रख के उस डायग्राम पे नीचे आता चला गया। जहां पे ये डाउजर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वहां ये बताएगा कि यहाँ कुछ नेगेटिव है, यानी बॉडी में यहां पर कोई प्रॉब्लम नजर आएगी। तो सबसे पहले क्या करें, पहले क्या करें कि किसको देख रहे हैं, किसको स्टडी पे देख रहे हैं, उसका नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर नेम और डेट ऑफ बर्थ आप अपना लिख लें। अगर हम अपने आप को, या अगर आप किसी को जानते हैं जिसके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो आप उसका नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ उस डायग्राम में लिख लें, बिकॉज दिस डायग्राम इज नाउ गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट पर्सन। अब हमने नाम और डेट ऑफ बर्थ जब उस डायग्राम में लिख लिया, तो एक हाथ में आप, डायग्राम में लिखना मीन्स उसका फेस पे लिखना है, कहाँ पे लिखना है? जहां आप ठीक समझे फेस पे भी लिख सकते हैं, और जो टॉर्सो एरिया है, जब लिम्स हटा देते हैं, जब हाथ और अच्छा टांग हटा देते हैं। ओके ओके, टॉर्सो एरिया, ओके, थैंक यू सर।
अब इसके अंदर अगर प्रयोग करें पेन का तो और अच्छी बात है। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए हमें जितना प्रसाइज हो सके लोकेशन, उतना प्रसाइज लोकेशन चाहिए होता है किसी भी प्रॉब्लम का। पहले मोटे तौर पे देख लेते हैं, फिर हम उसके अंदर प्रिसाइसनेस लाने के लिए पेन की जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से मार्क करते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम यहां पर है। तो एक हाथ में आप अपना पेंडुलम ले लीजिए और दूसरे हाथ को डायग्राम के ऊपर रखें। एक हाथ में पेंडुलम, दूसरी उंगली डायग्राम के ऊपर, सर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके चेस्ट पे जाएंगे। जब सर पे शुरू करेंगे तो ध्यान रखेंगे क्योंकि सर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, उनका ध्यान रखना है। बाकी सब जगह थोड़ा तेज चल पाएंगे फिर भी, खासकर लिम्स के एरिया में, आर्म्स और लेग्स में, बट हेड रीजन के अंदर बी अ लिटिल स्लो। आंखों का, नाक का, मुंह का और कानों का ध्यान रखें उसके अंदर और धीरे धीरे नीचे चलें। अगर आपको पता है कि किसी व्यक्ति को कहीं पे प्रॉब्लम है तो शुरू में उसको लेने से आपको आसानी होगी। अब देखें जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, हेड रीजन खत्म होगा तो आप नेक रीजन में आएंगे। साथ साथ बोल भी सकते हैं, इंटेंशन दे सकते हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द नेक रीजन। अब अगर इस तरह से बोलेंगे इज देयर एनी प्रॉब्लम, और अगर ये उल्टा घूम रहा है इसका मतलब ये बोल रहा है नो प्रॉब्लम। अगर आप चुप रहते और ये नो घूमता तो इसका मतलब दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम। ये डिफरेंस को एक बारी दोबारा समझ लेते हैं। अगर मैं चुप हूं, मैं अपनी उंगली रखता हूं किसी की जो डायग्राम है उसके हेड रीजन के अंदर और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है पेंडुलम, इसका मतलब उस रीजन पे जहां मेरी उंगली है वहां कोई प्रॉब्लम हो सकती है, होनी चाहिए। अब ये हो सकती और होनी चाहिए में क्या फर्क है, इस पे भी मैं अभी आऊंगा, थोड़ा सा फाइनर पॉइंट है। बट अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है जब आपका हाथ हेड रीजन में है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने मुंह से क्वेश्चन पूछा कि क्या यहां पर प्रॉब्लम है, तो अब पेंडुलम आंसर मेरे क्वेश्चन का कर रहा है, इसलिए अब अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे, गर्दन के बाद चेस्ट एरिया में आएंगे। चेस्ट में लेफ्ट और राइट दो तरफ जाएंगे। जब लेफ्ट साइड पे आए हार्ट की तरफ तो थोड़ा धीरे चलेंगे, चेस्ट के साथ ही आर्म्स को भी ले लेंगे। आपकी स्वेच्छा है, राइट आर्म को पहले लेना है कि लेफ्ट। हर एक व्यक्ति का अपना एक चाल होती है, हर एक व्यक्ति की एक प्रेफरेंस होती है। आप लेफ्ट को पहले लेना चाहें या राइट को पहले लेना चाहें, आपकी मर्जी है। डायग्राम मैंने न्यूट्रल दिया है आपको, जो ये डायग्राम है आप इसको पिक्चर जब करेंगे अपनी इमेजिन जो कर रहे हैं इसको आगे से भी पिक्चर कर सकते हैं, पीछे से भी पिक्चर कर सकते हैं। मेल को भी सोच सकते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी सोच सकते हैं, और कोई बच्चा है बड़ा है। सो इट इज एजलेस, सेक्सलेस डायग्राम एंड व्यूलेस। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब आप एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएं। एब्डोमिनल कैविटी जो है इसके अंदर हमें खुद पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या क्या है। अगर हमें पता है, मैं मान के चल रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए कि हमें पता है कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या है। प्लीज ओपन माय वीडियो एंड ऑडियो सर। नो आई हैव नॉट क्लोज्ड रीना जी योर ऑडियो और वीडियो, यू आर फ्री टू ओपन इट एज एंड व्हेन यू लाइक। So, give me a sec. कई लोगों को चेहरे में थोड़े सा क्वेश्चन मार्क है तो मैं बता दूंगा थोड़ी देर में एब्डोमिनल कैविटी। फिलहाल आप उंगली से राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आ जाएं। सेक्सुअल ऑर्गन्स को देखने की
जरूरत हमेशा रहती है, उसको भी देखें, क्योंकि बड़ी बार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि बच्चा नहीं हो रहा है एंड यू वुड देन लाइक टू चेक वेदर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओके और नॉट. तो वहां पे कई बार हमारे को क्वेश्चन ही स्पेसिफिकली उस रीजन के लिए पूछा जाता है. उसके आगे चलेंगे तो आप दोनों टांगों पे चलेंगे, टांगों के मोटे तौर पे तीनों हिस्सों पे चलेंगे. अब अगर कहीं पे नेगेटिव आया तो इसका क्या मतलब है? मैंने बताया इसका मतलब है कि या तो यहां प्रॉब्लम है या यहां प्रॉब्लम हो सकती है. अब प्रॉब्लम है तो बात समझ में आती है, प्रॉब्लम हो सकती है इसका क्या मतलब है? प्रॉब्लम तो कहीं भी हो सकती है, कल का क्या भरोसा? तो जो हमारी थ्योरी है एनर्जी की थ्योरी, वो ये कहती है कि पहले डिजीज हमारे आसपास मैनिफेस्ट करता है, फिर वो हमारी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट करता है. यानी हम जो थ्योरी मानते हैं वो ये है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है ज्यादातर सिविलाइजेशन की, जो फिजिकल बॉडी से ज्यादा हम है, हमारी और बॉडीज भी हैं, और इससे पहले कि कोई डिजीज हमारे पे हमला करे वो हमारी एनर्जी बॉडी में दिख जाता है. आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ट्रेडिशनल चाइना के अंदर ये आपने एक शब्द सुना होगा हफ्ता. आप में से किसी ने हफ्ता शब्द सुना? किसी ने कोई हफ्ता शब्द सुना? हफ्ता तो सर लोग मांगते हैं, हफ्ता दे दो. हाँ हफ्ता दे दो. वो इतने प्यार से नहीं मांगते, थोड़ा गुस्सा कर देते हैं बीच में, और ना देने पे कुछ वो कहते हैं पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए कि आपने हफ्ता क्यों नहीं दिया. तो चाइना के अंदर जो पहले पद्धति थी वो बहुत अच्छी पद्धति थी, एक शायद हमारे यहाँ भी रही हो, कि डॉक्टर्स को हफ्ता जाता था लेकिन महीने महीने जाता था. यानी हर मंथ एक रेगुलर पेमेंट जाती थी टू मेक श्योर कि भाई हम जो है प्रॉब्लम में ना आए. आज सिस्टम उल्टा है, जब कोई प्रॉब्लम में आता है तो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो. यानी इसका मतलब ये है कि उन लोगों के पास कोई ऐसी पद्धति प्रणाली थी जिससे कि वो डिजीज आपकी बॉडी पे आए उससे पहले उसको पकड़ सकते थे और शायद उसको अल्टर कर सकते थे. और इस चीज को करने के लिए उन्हें एडवांस के अंदर हफ्ता या महीना मिलता था. मुझे लगता है ये दिन कभी ना कभी हमारे यहाँ भी आएंगे, वापस आने चाहिए, इससे हेल्थ इंडस्ट्री का बड़ा भला होगा. तो जब हमने कहा कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो या तो डिजीज है या डिजीज हो सकता है, इसका मतलब ये है कि वो डिजीज कहीं ना कहीं आपके ऑरा के अंदर आ चुका है फिजिकल लेवल में आने के लिए. कई बार 9 महीने तक का समय लग जाता है. जिन लोगों ने नेल्स पे स्टडी करी उन्होंने भी ये पाया कि नेल आपको बीमारी की खबर, बीमारी होने से 9 महीने पहले तक दे देता है. तो जब आप डाउजिंग की दुनिया के अंदर एज ए बिगिनर कदम रखते हैं तो मेरे को वो सारी चीजें आपको बतानी जरूरी होती है जिसके अंदर कल को आपको प्रॉब्लम आ सकती है. और वो प्रॉब्लम ये है कि किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं, डाउजिंग कर रहे हैं, और सडनली आपने देखा कि उसके यहां पर आर्म रीजन के अंदर आपका डाउजर 2 बार 3 बार 4 बार आपने चेक कर लिया, वो एंटी क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव घूमता है. अब आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको कहते हैं कि देखो तुम्हारी ये लेफ्ट बाजू में प्रॉब्लम है. वो कहता है डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, ये देखो मैं वर्जिश करके आया हूं सुबह, इसमें कोई समस्या नहीं है. अब या तो वो आपके पास आना छोड़ेगा
या आप डाउजिंग की दुनिया से विमुख हो जाएंगे। तो ऐसे ना करें। हर वो प्रॉब्लम जो आती है वो सॉल्व होने का अपना एक कर्व लेती है, सोच लेती है। तो जो लोग इस जगत से बहुत देर से जुड़े हैं उन्होंने ये पाया कि ऐसे कई बार हुआ और ऐसे केसेस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीनों तक वो एरिया जहां उन्होंने बताया था कि इट इज गेटिंग मोर वल्नरेबल टू द नेगेटिविटी, वो डिजीज्ड हो गया। तो ऐसे केस के अंदर आप बोलेंगे व्यक्ति को कि थोड़ा अपना इस एरिया का ध्यान रखें, मुझे लगता है कि यहां पे कुछ नेगेटिविटी जो है क्रिएट हो रही है। तो ये एक तरह की फोर वार्निंग का भी काम करेगा। इसका मतलब ये है कि जो रेडियस थीशिया है यानी जो डाउजिंग है, यानी रेडियस और थीसिया मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, यानी रेडियंस को, तेज को के प्रति सजगता, सेंसिटिविटी, यानी उसको पकड़ना। तो ये जो पेंडुलम है ये केवल बॉडी पे नेगेटिविटी को नहीं पकड़ता, फिजिकल बॉडी पे सिर्फ, ये जो आपकी बाकी एनर्जी बॉडी है उसमें भी अगर नेगेटिविटी है तो ये उसको भी पकड़ता है। और इसलिए इसका प्रयोग, और हम आगे चल के जब कभी कुछ एडवांस टॉपिक्स पे बात करेंगे तब आपको पता लगेगा कि कितनी आसानी से इसका प्रयोग एनर्जेटिक स्ट्रेस देखने के लिए और जियोपैथिक स्ट्रेस देखने के लिए किसी भी जमीन, किसी भी घर और किसी भी व्यक्ति पर करा जाता है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं, जैसे आपने सुना होगा हॉन्टेड हाउसेस, कि वैसे तो सब ठीक है, उस घर में जाके तबीयत खराब हो जाती है, कोई चक्कर है। भाई वो क्या चक्कर है, वो कैसे पता लगाएं, वो कैसे ठीक करिएगा जो पहले पकड़ में ना आए। हर चीज की रेमेडी करने के लिए कम से कम उसका डायग्नोसिस होना मेरे हिसाब से तो जरूरी है। अगर डायग्नोसिस तक हम पहुंच जाते हैं तो कभी ना कभी रेमेडी तक भी हम पहुंच जाते हैं। तो पहली चीज जो आपको समझ में आई आज जो हमने डिस्कस करी वो ये कि क्या हमारी बॉडी का, और जब मैं बॉडी कहता हूं तो इट इंक्लूड्स द एनर्जी बॉडी, क्या हमारी बॉडी का कोई अंग, कोई एरिया प्रॉब्लम में है, और अगर है तो उसको हम डाउजर के माध्यम से कितनी आसानी से देख पाते हैं, ढूंढ पाते हैं। लेकिन क्या सारी बीमारियां रीजनल होती हैं, भारत को भी या यूएसए को भी? एक तो स्टेट्स में बांटा गया और एक सबका कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र के अंदर चीजें आती हैं वो पूरे कंट्री में लागू होती हैं। ऐसे ही नर्वस सिस्टम, सर्कुलेट ब्लड जो है, अब ब्लड में प्रॉब्लम है, ल्यूकीमिया किसी को ब्लड का कैंसर है, अब आप चल रहे हैं ऊपर से नीचे, बंदा बड़ा परेशान आया आपके पास, मैडम देखो, भावना जी देखो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। भावना जी ने ऊपर से नीचे तक वो अपना उंगली लगाई और इधर से डाउजर लिया और पूरा चेक भी करा, लेकिन कहीं नेगेटिविटी नजर नहीं आई, या हर जगह ही नेगेटिविटी नजर आई। तो अब क्या करें बताइए? ना तो हम ये कह सकते हैं कि तुम ऊपर से नीचे तक खराब हो, ना हम ये कह सकते हैं कि तुम ऊपर से नीचे तक ठीक हो, प्रॉब्लम में तो आया है वो। इसका मतलब ये कि कई ऐसे डिजीजेस हैं जिनका लोकेशन से लेना देना नहीं है, और अगर लोकेशन से लेना देना नहीं है तो उस पे स्ट्रक्चर को पढ़ के क्या करिएगा कि ये पेट है, कि ये दांत है, कि ये आंख है। ब्लड तो आंख में भी है और ब्लड तो पेट में भी है, हर जगह है। बोन्स, अच्छा नर्व्स भी हर जगह है। तो ये हमारे को कुछ सिस्टम्स को देखना पड़ेगा कि क्या कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसलिए जो मैंने आपको शीट दी
उसमें हमने दो एनालिसिस करे ये पता लगाने के लिए कि डिजीज किस चीज का है, क्या डिजीज है। एक तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करा, जो मैंने आपको एक बॉडी की फिगर दे दी। कभी आपके पास ये पेज ना हो तो आप अपना पैड ले सकते हैं, जो आपके पास पैड हो, और इस पैड के ऊपर छोटा सा कैरिकेचर भी बना सकते हैं। कई बार ऐसे हो जाता था कि मैं रात को सो रहा हूं और किसी बहुत नजदीकी का बार बार फोन आई जा रहा है, फोन उठाया, यार तबीयत बड़ी खराब हो रही है, देखना कुछ हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई मेरे को। अब रात के 3 बजे 2 बजे आप अपने ऑफिस में जाके वो तो नहीं, फाइल तो नहीं निकालेंगे, यार तुमको फाइल निकालता हूँ प्रॉपरली करूंगा। लेकिन आंसर तो आपको जेन्युइन देना है, जो आपकी विद्या के हिसाब से बनता है। तो आप क्या करेंगे, तो आप फटाफट से इस तरह का कैरिकेचर ड्रॉ करेंगे, वंस अ डाउजर फॉर एवर अ डाउजर। तो ये आपके पास हमेशा रहेगा ही रहेगा, और अगर ना हो तो मैंने आपको बताया वो भी बनाने का तरीका क्या है। तो इस डाउजर से आप इस कैरिकेचर की मदद से भी ये पता लगा पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सब जगह ठीक आया तो फिर फंक्शन पे जाएंगे। अब मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी दी है, तो हम देखेंगे कि उसके किसी फंक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके स्केलेटन सिस्टम में प्रॉब्लम है, मस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम। अब पूरी ऊपर से नीचे तक बॉडी में मसल्स में जान नहीं है, होल्डिंग प्रॉब्लम हो रही है, किसी को ट्रेमर्स हो रहे हैं, पार्किंसन हो रहा है, या फिर तो अब कैसे, कहां की बताइए, कहां की प्रॉब्लम है? पूरी बॉडी शेक हो रही है, बताइए प्रॉब्लम कहां की है। तो पूरी बॉडी शेक हो रही है सर। जी सर, एक मुझे एक डाउट था। डाउट की तो बात ही नहीं आई, अभी तो मैं बात नहीं, कर रहा हूं। नहीं सर, डेट ऑफ बर्थ लिखना जरूरी है। पहले तो ये वॉइस आ रही है पीछे से, भारतीय आचार्य जी का एक तो खुला हुआ है, मैं म्यूट करता हूँ। जी नहीं, डेट ऑफ बर्थ देखिए ऐसा है, मैं इस पे आता हूँ, एक मिनट बाद इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, दोबारा पूछिए मुझसे। लेकिन मैं अभी फ्लो ऑफ थॉट में था, आप अपनी थॉट के हिसाब से बीच में आपने इंटरप्ट करा, कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मेरी थॉट पूरी हो जाने दीजिए। तो ये जो सिस्टम्स हैं हमारे, इनके अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट चेक ये करना है। तो एक एक करके सारे सिस्टम्स में, इज देयर अ प्रॉब्लम विद द स्केलेटन सिस्टम, इज देयर अ प्रॉब्लम विद द मस्कुलर सिस्टम, इज देयर अ प्रॉब्लम विद द नर्वस सिस्टम, इज देयर अ प्रॉब्लम विद द एंडोक्रीन सिस्टम, इज देयर अ प्रॉब्लम विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आंसर आता है, ओ यस, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम विद द नर्वस सिस्टम, आर द न्यूरॉन्स नॉट फायरिंग वेल, इज देयर अ प्रॉब्लम विद द साइनैप्स। अब ये शब्द भी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये थोड़े से टेक्निकल नेचर के। अब एक आदमी डॉक्टर बनता है 5 साल लगा के, कई बार लोग 10 साल भी लगा के स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो आज की दुनिया में नॉलेज इतनी है। अब हेल्थ डाउजिंग जो मैं आपको बताया उसका बेसिक बताया, अब इसके बाद अगर हम अंदर चलेंगे तो हमें एनाटॉमी तो पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ही आगे नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, तभी तो हम बताएंगे। नहीं सर, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, तो कोलेस्ट्रॉल आपने चेक कहाँ करा? इसका मतलब फिर आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए हेल्थ के ऊपर, वो फिर एडवांस्ड विषय है, वो भी दिया जाता है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस्ड है। हर व्यक्ति हो सकता है कि इतना उसके प्रति इच्छुक ना हो, बट देर इज अ सिस्टम, इफ वी फॉलो द सिस्टम देन वी रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। जैसे हमने बॉडी का मैप लिया, तो बॉडी के मैप से ही तो लगा पाएंगे पता कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर कोई व्यक्ति भाग गया, एक टेररिस्ट कहाँ ढूंढना है, क्या चाहिए? नक्शा चाहिए ना, नक्शा चाहिए, नक्शे के बाद ही तो पूछेंगे। एक गिवन सेट ऑफ पैरामीटर्स चाहिए, उस पैरामीटर्स में से चूज करा जाएगा। इंडिया के अंदर छुपा हुआ है तो इंडिया का मैप चाहिए, इंडिया का मैप होगा तो अंदर बता देंगे। बॉडी के अंदर कोई डिजीज है, बॉडी का मैप चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या है ये पता होना चाहिए, उसका एक पूरा मैप चाहिए, उसकी एक एक चीज चाहिए। तो फिर इसके आगे भी
बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक जो क्वेश्चन आया था वो ले लेता हूं। तो ये पूछ रहे थे कि भाई डेट ऑफ बर्थ लिखना जरूरी है कि नहीं। तो देखिए जरूरी तो नहीं है, पर आज भी मुझे इतने साल हो गए ये कार्य करते हुए, लेकिन आज भी जब मुझे कुछ केस करना होता है तो मैं नॉर्मली फोटो ले लेता हूं। और अब तो फोटो लेनी मेरे लिए और आसान हो गई है, क्योंकि लोगों के पास व्हाट्सएप है और हर ऑलमोस्ट फोन के अंदर एक कैमरा है। पर अगर आप स्ट्रिक्टली पूछें कि क्या फोटोग्राफ की जरूरत है, नहीं जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो क्या है? लिंक बनाने में हमारे दिमाग की बात है। अगर मेरा दिमाग आपके नाम से ही कनेक्ट हो जाता है, यानी मेरे दिमाग इजीली कैच कर लेता है, यानी मेरा दिमाग बहुत अच्छी मेडिटेटिव स्टेट में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं फोटो लेता हूं। अब फोटो भी नहीं है तो मैंने बताया मैं कैरिकेचर ले लेता हूं। अब ये कैरिकेचर कल आपने सोचा था कि ये आपकी बीवी है, आज आप सोच रहे हो आपका बच्चा है, कल आप सोचोगे आपका फ्रेंड है। नहीं, ऐसा मत करें। वो दिक्कत आती है, प्रैक्टिकली मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत आई, तो फिर हमने क्या शुरू करा कि आप लें, लेने के बाद उस पेज को फाड़ दें, दूसरा पेज इस्तेमाल करें। इसीलिए आपको पीडीएफ फाइल दी कि आप उसके कुछ प्रिंटआउट्स निकाल के रखें 5-10, और जब आप एक का नाम एक के ऊपर लिख देंगे तो वो आप दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे नहीं। एक फायदा तो ये होगा। और दूसरा, कभी कभी आपको स्ट्रेंजर के लिए करना है। Somebody is living in Honolulu, his name is Mr. James. Mr. James is not feeling well today. Can you use your skills to identify what problem he is facing? Now, you don't know Mr. James. Mr. James has not contacted you. I am giving you this exercise. So you will believe that that particular, वो जो आप सोचेंगे ऐसे कि वो जो जो कागज पे आपकी ड्रॉइंग है वो मिस्टर जेम्स है, वो होनोलुलु में रहते हैं और ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ यूनिक होने के कारण काफी हद तक आसानी होती है लिंकेज बनाने में। इससे ज्यादा आसानी होती है साथ में एड्रेस भी लिख लें, उससे ज्यादा आसानी होती है अगर फोटोग्राफी हो, और उससे भी ज्यादा आसानी होती है बंदा ही सामने हो। तो ये सब हमारे पे डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग कैसा है, कितनी मेडिटेटिव स्टेट का है, कितने आराम से हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। बस इतना सा, ठीक है। सुप्रिया जी कहाँ गए? ओके, हाँ जी दीपक जी। सर, ये जो हेल्थ डाउजिंग है, क्या हम किसी थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है या सुजोक है या ऐसी किसी चीज में भी इसको, इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है क्या? जी जी बिल्कुल हो सकता है सर, बहुत ही अच्छा एक तो प्रश्न है, और इसी के लिए फिर हम मेडिकल डाउजिंग, मेरी आपसे चर्चा होनी ही थी, मेडिकल डाउजिंग जो हम पूरा कोर्स है वो इसी के ऊपर है। हुआ क्या, एक दिन मैं किसी व्यक्ति का इलाज कर रहा था, वो तकरीबन 80 इयर्स के थे और किडनी की प्रॉब्लम थी, रीनल फेलियर था। डॉक्टर ने कहा किडनी बदलनी है, हम कोशिश कर रहे थे कि भाई अगर कुछ हो सकता है तो हो। सो एवरीडे बेसिस पर मैं मिल रहा था, इतना तो हो गया कि उस पेशेंट में 2 दिन के बाद जान आ गई। मींस वो जो मेरा जो क्लिनिक है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वो पहले चल के नहीं आ पा रहे थे, 2 बंदे उनको पकड़ के लाए और तीसरे दिन वो खुद चल के आए और ही वॉज वेरी हैप्पी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अब क्या होता, मेरे पास नेक्स्ट टास्क था कि अब किडनी इसके ऊपर काम करा जाए, एक बारी जान आनी शुरू हो गई है। तो अब क्या था कि जब क्रेटिनिन का लेवल हो गया था हमारा, जब मेरे पास आए हैं तो क्रेटिनिन का लेवल था अराउंड 7.5, जो बहुत ज्यादा है। तो किडनी इस ब्लड को साफ नहीं कर पा रही और उसके कारण जो वो गंध है वो नेचुरली आप खड़े होंगे तो कोई भी चीज नीचे जाएगी। तो टांगों में एक्सट्रीम रात को पेन होता था, अनबियरेबल। तो मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर एक बार रात को मिले। मैंने कहा ठीक है,
मेरी आपको पूरी सपोर्ट है, जिस टाइम आपको दर्द हो आप उस टाइम पे आओ मेरे पास। वो मेरे पास तकरीबन रात के 12:30 बजे आए। मैंने कहा जी ठीक है। 12:30 बजे मैंने उनको अपने जो डॉक्टर्स बेड है उस पर लिटाया, और मैंने जो एक एक्यूप्रेशर है सुजोग, जैसे मैं ट्राई करा पहले कि मेरिडियन पे काम करते हैं, बियॉल मेरिडियन के ऊपर, तो मैंने देखा भाई टांग से कौन कौन से मेरिडियन जाते हैं उसके ऊपर कार्य करके देखा जाए। वो फिर जो आपका एडवांस 6 की है उसके प्रोसीजर्स लगाए, 10 मिनट 15 मिनट 17 मिनट, आराम ही नहीं आ रहा। मैं परेशान की नाउ व्हाट टू डू। अच्छा, दूसरी हीलिंग हम उसमें करते नहीं थे जो, और मैं हीलिंग्स करता हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द जेंटलमैन हुम आई वाज ट्रीटिंग। सो आई वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू डू सम एक्यूप्रेशर प्रोसीजर्स ओनली। कोई बात नहीं। सो विद इन जो जिस पैथीज को हम फॉलो कर रहे थे उसके अंदर मैं ऑप्शंस ढूंढ रहा था, और जब मेरी ऑप्शंस खत्म हो गई तो गिव अप करने से पहले, ये मेरा डाउजर तो पड़ा ही था, मैंने कहा आप डाउजिंग से हीलिंग तो नहीं कर सकते, और प्रॉब्लम पता ही है कहां है, ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा है। मैंने कहा, एकदम से दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करी, मैंने इससे आंसर कुछ पूछा और इसने मुझे कुछ आंसर दिया, और सिर्फ एक मैग्नेट मैंने उंगली में लगाया और 15 से 20 सेकंड के अंदर वो कहते हैं रिलीफ आना शुरू हो गया। ये क्या करा आपने? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता वाकई में मैंने आपके साथ क्या करा है। कहते नहीं बताइए। अच्छा, ही वॉज अथीस्ट, वो भगवान को नहीं मानते थे। भगवान को मानने वाला अथीस्ट, भगवान को ना मानने वाला अथीस्ट, तो नास्तिक प्रकृति के थे। मैं कहा जी आप तो हो, और मैं बड़ा खुश एज इफ मैंने कुछ पा लिया है। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा जी आप, मैं चौड़ा हो गया, मैं कहा जी आप भगवान को नहीं मानते, तभी तो मैं बाकी हीलिंग्स नहीं कर पा रहा था। मुझे खुंदक आ रही थी कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे को मौका दें तो मैं करूं। मैं चौड़ा हो गया। मैंने कहा जी देखिए, ये जो मैंने अब आपके साथ करा है, ये मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करा, ये उधार की बुद्धि ली है। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि जो डाउजिंग है ये नॉन लोकल इंटेलिजेंस पे हुक ऑन करने का तरीका है, यानी अपनी नॉलेज को एक तरफ रखो और देखो बाकी जो विजडम है उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। सो दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई जर्नी टूवर्ड्स मेडिकल डाउजिंग, विच हैपन्ड इनएडवर्टेंटली। मेरा कोई जान बूझ के सोचा नहीं मैंने, ये किसी तरह से बस मजबूरी में सोचना पड़ा और एकदम से चीजें घटती चली गई। उसके बाद फिर की जर्नी अलग बढ़ी। तो एक्यूप्रेशर के जगत में, होम्योपैथी के जगत में, बायोकेमिक सॉल्ट्स के जगत में, सुजोग के जगत में, level 1, level 2, level 3, level 4 सारे जगत के अंदर कैसे कैसे इसको हमने प्रयोग करा, और उसके बाद मैंने काफी लोगों को पढ़ाया भी कि कैसे आप इसको अपनी पैथी में यूज कर सकते हैं। खासकर वो जो डिफिकल्ट केस आता है ना, जो आपने पढ़ा है उसके थोड़े परे होता है, अब आप किसके पास जाइए। कोई ऐसे नहीं होता कि जैसे अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूं एक हॉस्पिटल में, वहां पे 2-3 और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो अब अगर मेरे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रही, तो कोई सीनियर तो है नहीं, सारे कलीग्स हैं। अब बंदा फोन करने से पहले 2 बार सोचता है कि यार उसके पास भी वही नॉलेज है, मेरे पास भी वही नॉलेज है, मैं क्या मतलब क्या पूछूं। बट स्टिल कोई केस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है तो पूछते हैं, लेकिन इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज नो हायरार्की। ऐसे ही आप लोग भी अकेले अकेले बैठे होते हैं जो हीलर्स होते हैं, तो किससे पूछें? तो जब किससे पूछें की बात आए और आप फंस जाएं, तो बड़ी आसानी से मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मैं डाउजिंग को लगा के बहुत सारे केसेस के अंदर निकला हूं, और इससे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को आराम मिला है। फिर मैंने बाद में बैक कैलकुलेशन करी है कि इससे क्यों फर्क पड़ा, उससे भी कई राज धीरे धीरे करके दिमाग में समझ में आए या क्लियर हुए कि ये करने क्यों 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 कहा मेरे को इसने। बट थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आज ही मैंने करा और आज ही मुझे समझ में आया। आप कोई एक चीज करते हैं उसका आंसर 2 साल बाद समझ में आता है, तो ऐसा होता है सर। सर
सर इसमें एक जैसे सुजोक में एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी होता है, अगर आपको मालूम हो तो सुजोक में क्या उसकी भी कुछ पॉसिबिलिटी होती है क्या सर? नहीं, हमारे जो अभी लोग हैं इनमें सुजोक के कुछ हैं हीलर्स, क्योंकि नहीं होंगे और मैं बोलूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। नहीं है सर, है इनमें है कुछ लोग है सर, हम लोग करते हैं सुजोक। अच्छा तो देखिए जी है सर, तो डाउजिंग को हाँ लेवल वन में भी लगाते हैं, लेवल टू में भी, लेवल थ्री में भी, लेवल फोर में भी। डिटेल का विषय क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे सुजोक की जगत में, पर थोड़ा सा बात करते हुए सिंस आपने पूछा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां बनाता है जहां पूरी बॉडी को अफेक्ट करना हो, जहां पूरी बॉडी को अफेक्ट ना करना हो वहां जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की तरफ जाते ही नहीं है ना। जैसे आजकल अगर कोई पेशेंट को बार बार तकलीफ आ रही है आजकल, और मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली की बात बता सकता हूं, यहां पे बारिश बहुत आ रही है और पीछे बॉम्बे में भी बहुत बारिश आ रही है, तो कई लोग बॉम्बे से भी अगर सुन रहे हो तो हमें पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, और अब व्यक्ति आता है और उसको एकदम से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, किसी को पॉलिप्स बढ़ रहे हैं, किसी ने आज ही मुझसे चर्चा करी थी जी कि पॉलिप्स बढ़ रहे हैं नोज के, इस तरह की कोई चर्चा थी जी। तो होता क्या सर वो, अब ये ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में गए तो रस्ते मिले दो जी। जो भी आपने जिगजैग बना के जिस तरह हम बनाते हैं सब लोग जी। बना लिया तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें रस्ते मिले दो। अब वो रस्ते में से कौन सा रस्ता है जो इस व्यक्ति को इमीडिएटली हेल्प करेगा, हालांकि उसके लिए हमारे पास एक इंडिकेशन होता है कि बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी ज्यादा है, बॉडी उसको जल्दी यूज करती है, तो उस वाले रस्ते को चूज करा जाए। कई बार नहीं हो पाता, आराम नहीं आ पाता, तो डाउजिंग की मदद से हम बगैर पूछे हुए भी इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के रस्तों के अंदर चॉइस कर सकते हैं। पहले ये भी देख सकते हैं कि एक्सियल ट्रीटमेंट सही काम चल जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो कौन सा रास्ता जो है वो अच्छा रहेगा। ये दोनों चीजें करी जा सकती हैं, और भी चीजें हैं जो फिर आगे कभी मौका मिलेगा डिटेल में इस पर सर बात करने का तो जरूर करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन ये है कि हेल्थ डाउजिंग के अंदर एक दो चीजें और है जो आप देखेंगे, वो ये किसी को स्टोन हो गया। अब एक तरीका तो ये है उसके पास कि वो जाए और ऑपरेशन करवाए, दूसरा तरीका ये है आयुर्वेदिक वाले के पास चला जाए, तीसरा ये है कि होम्योपैथिक के पास जाए। होम्योपैथी भी कई डॉक्टर्स ऐसे बड़े अच्छे हैं जो स्टोन्स को मैंने देखा है ठीक कर देते हैं, बड़ी अच्छी दवाइयां हैं होम्योपैथी में भी। और फिर सुजोक थेरेपिस्ट के पास जाएं, एक्यूप्रेशर वाले के पास जाएं, एक्यूपंचर वाले के पास जाएं, अब आप बताएं, या हीलर के पास चले जाएं मेरे जैसे, वो तो आंख बंद करके कुछ करेगा तो समझ में भी नहीं आएगी, हाथ टच भी नहीं कर रहा तो कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, स्टोन में कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप एज ए डाउजर, आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपको उन पैथीज में से बता सकते हैं आपकी कौन सी पैथी आपके लिए बेटर रही। इसके लिए क्या करना होगा, वो छह पैथीज की लिस्ट बनानी है जिसके अंदर इसका इलाज कॉमन पाया जाता है। अब इस व्यक्ति के लिए कौन सी ज्यादा सूटेबल होगी वो पैथी आपने प्रिस्क्राइब करनी है। कई बार आदमी आपको आगे कहेगा, सर मैंने तो होम्योपैथी की दवाई 3 महीने से मैं खा रहा हूं जी, मैंने फिर कल अल्ट्रासाउंड कराया जी, स्टोन का फिर कराया, वो फिर खत्म नहीं होता जी, मैं तो सोच रहा हूं अब ऑपरेशन करा ही लूं, हालांकि फिर अब इतना बड़ा हो गया, उम्र इतनी हो गई है कि कराऊंगा तो पता नहीं डॉक्टर कहते हैं बचोगे कि नहीं, इसलिए उन्होंने कहा है कि जब तक ऐसे चल रहे हो वैसे ही चलो, डायबिटीज वैसे है और हार्ट अटैक के मरीज वैसे थे पहले, तो फिर क्या कर रहे हैं आप। तो ये देखें, पूछें कि क्या डॉक्टर बदलने से फायदा होगा उसी पैथी में। तो पहला था पैथी, दूसरा था डॉक्टर, और तीसरी बात जो करें, एक वो हम हिंदुस्तान से हैं तो हिंदुस्तान के अंदर चक्रों के बारे में सबको पता है, और अब तो बाहर भी चक्रों के बारे में कॉमन नॉलेज हो गई है। ज्यादातर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और मेडिसिन सिस्टम्स के अंदर चक्रों को बताया जा रहा है, एंजेलिक हीलिंग के अंदर भी चक्रों का वर्णन हो रहा है। मैं हैरान था, किसी ने मुझे यूके से अभी एक बुक भेजी एंजल्स की हीलिंग के ऊपर, उन्होंने मेरा कोई कोर्स करा था, उनको मैं अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इससे
बताना चाहती हूँ कि ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है, आप इसको भी पढ़ें। तो ये डोरीन वर्च्यू जी की एक बुक है, अच्छी बुक है, एंजल मेडिसिन। तो मैं देख रहा था इन्होंने भी चक्रों की बहुत ज्यादा बात करी हुई है। तो किसी भी तरह की आप हीलिंग देखें आज, उसमें चक्रों को इनकॉर्पोरेट करा है। अगर आपकी पैथी ऐसी हो जिसके अंदर आपको पता हो कि चक्रों को कैसे हम, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे भी जो रेकी की, जिन्होंने मेरे से रेकी पहले कर रखी है, तो रेकी को भी हम कंबाइन जब करते हैं डाउजिंग के साथ, तो उसमें एक चीज जो हम कर ही सकते हैं वो ये है कि चक्रों को, चक्रों के ऊपर भैया आप हाथ लगाओगे अगर हर एक के, जैसे मैं पहले क्या करता था 15-20 साल पहले जब मैंने रेकी सीखी, तो जैसे व्यक्ति को लेटाया तो मेरे हाथ सेंसिटिव है, जहां पे भी नेगेटिविटी होती है मुझे जरूरत नहीं पड़ती डाउजर या किसी चीज की, मेरे को हाथ पे नेगेटिविटी फील हो जाती है। तो मैं व्यक्ति को लेटा के उस पर अराउंड 5 इंचेस दूर हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे कोशिश करता था कहाँ तक आ रही है ऊर्जा, ऐसे लेके जाता था। इसका मतलब ये कि एक तो मेरे को व्यक्ति के प्रेजेंस की जरूरत पड़ती थी शुरू शुरू में, जो बाद में डिस्टेंस रेकी की मदद से थोड़ी कम हो गई। दूसरा, फिर भी अगर मैं एक टेडी बियर को भी मान लूं कि ये व्यक्ति है, तो भी मेरे को उसको सारे ऊपर लेके जाने पड़ेंगे, मुझे देर लगेगी। या तो मैं इंट्यूटिव बन जाऊं, या तो मैं आंखें बंद करके हाँ भाई थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है ऐसे कह दूं, तो ठीक है, वो और तेज है, वो और जल्दी हो जाएगा। बट तब तक डाउजिंग की दुनिया में हम ये कार्य जल्दी से कर सकते हैं, और सिर्फ जल्दी से नहीं कर सकते, हम कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। कैसे? हमने अपने जो मैंने आपको चार्ट दिया है उस पे हमने चक्र ड्रॉ कर दिया और एक एक चक्र पे जाके देख लिया, जहां पे नेगेटिव मूवमेंट आ रही है उस चक्र में प्रॉब्लम है, उस चक्र में आप हीलिंग दे दें। अच्छा, हीलर नहीं भी है आप तो ये चक्र पे आप हीलिंग करवा लीजिए, ये बोल दें। और काफी सारे लोगों को अब रेकी आती है तो आप उनको होमवर्क भी दे सकते हैं कि आप घर जाएंगे तो आंखें बंद करके ये विजुअलाइजेशन दे दीजिए, एक लाइट की विजुअलाइजेशन दे दीजिए, और हाथ वहां रखने को बोल दीजिए, और कंसंट्रेशन वहां लगाने को बोलिए, और इंटेंशन की एनर्जी लगाने को बोलिए, तो भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इट विल कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर्स। अब प्रश्न आता है कि ये डिजीज क्यों है, इस पे हमारी चर्चा नहीं है। इंडियन आर्मी का भी असूल है, डू और डाई, नेवर आस्क व्हाई। तो ये जो क्यों का जगत है ये बहुत विराट है। इसके लिए मैं आपको कहूं वही वाली बात कि भाई कार्मिक बंधन के कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या इस जन्म के कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब अगर इस जन्म के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कोई प्लेनेटरी इन्फ्लुएंसेस के कारण हो रही है, क्या कोई एनर्जेटिक इन्फ्लुएंसेस के कारण प्रॉब्लम हो रही है, क्या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ऊपरा करा हुआ है किसी ने प्रॉब्लम हो रही है। अब ये सारा छोड़ दें तो अब देखें कि कुछ खा लिया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सूंघ लिया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आजकल हैवी मेटल ट्रेसेस हो जाते हैं, मर्क्यूरी कहीं से, कुत्ता पार्क में घूमता है तो पार्क में शिट भी करता है। आप दरवाजा खोलते हैं 500 मीटर दूर शिट पड़ी है, हवाएं आती हैं उसके ऊपर से होती हुई आपके घर से होती है, वो बैक्टीरिया आपके नाक में भी जाता है, आपको दिक्कत आती है। अब बताइए कहां तक कारण ढूंढेंगे अगर बहुत बड़ी लिस्ट कारणों की आपके पास ना हो। हो सकती है, सेपरेट कोर्स है, वो चीजें भी आ सकती हैं, लेकिन आज का विषय नहीं। दूसरा देखें, आप खा रहे हैं, मैं खाऊंगी जी आज पिज्जा, पिज्जा के अंदर मैं डालूंगी जी कैप्सिकम। अरे वो जो कैप्सिकम आप लेके आते हैं घर में, उसके ऊपर वो जो फर्टिलाइजर डाल रखा है, जो केमिकल डाल रखा है, उसके जो ट्रेसेस बचे हुए हैं, वो आप कहते हैं जी मैंने धोई थी, वो माई को दे दी थी धोने के लिए, माई का मूड अच्छा था तो अच्छे से धो दी, माई का मूड बुरा था तो बुरे से धो दी। अगर अच्छे से धो दी तो भी दिल्ली में पानी कितना साफ आ रहा है तो आपको पता ही है। हम जब बच्चे थे तो कहीं से भी पानी यूं करके पी लेते थे, वो पानी ड्रिंकेबल होता था। आज आप कहीं से भी पानी यूं करके पी लें तो वो अनड्रिंकेबल ही होता है। खैर, मैंने बताया था एज डाउजर हमारे लिए पानी पीना बड़ा जरूरी है।
तो पानी जरूर पी लें। देखिए कुछ और होना हो क्लास करने से, पर पानी पी के आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप कहेंगे भाई देखो कोर्स में कुछ मिला या नहीं मिला, चलो पानी पीने की आदत तो पड़ी। इसलिए जब आप कुछ खाएं तो वहां से भी केमिकल आ सकता है, वहां से भी पॉल्यूटेंट्स आ सकते हैं। जब कुछ सूंघें उससे भी पॉल्यूटेंट्स आपके आ सकते हैं। और जहां तक सूंघने की बात है, आपको पता है हमारे यहाँ ये हुक्का चल रहा है, हुक्का आजकल, अच्छा वहां बैंड है, पंजाब में मैं गया वहां बैंड है, क्योंकि हुक्के का दुरुपयोग हो गया। अब दुरुपयोग इसलिए हो गया क्योंकि लोगों ने उसमें ड्रग डाल के ले लिए, अब ये बुरी चीज हो गई जी हुक्का। वो हमारे दादाजी को देखें, किसी जगह राजस्थान जाएं हर घर में हुक्का, हरियाणा जाएं दादाजी की जनरेशन पे जाएं अपने हर घर में हुक्का। अच्छा जो हिंदू लोग हैं वो हवन करते थे, जो पारसी लोग हैं वो भी आग की पूजा करते थे। इसका आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है। रिलेशन ये था कि धूम्र पद्धति थी हमारे यहाँ, एक धूम्र पद्धति। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक नए घर में जा रहे हैं और घर का शुद्धिकरण करने के लिए हवन करते थे, क्यों? क्योंकि वो जो एक कोना है, अब ये देखिए ये अलमारी है, अलमारी की ये एक फ्लैप, ये दूसरा डोर, और ये बीच में जो ये यहाँ सफाई कैसे करेंगे मुझे बताइए। ये बीच के अंदर ये जो जगह है, ये इतनी गहनतम सफाई कैसे होगी, एनर्जेटिक क्लियरेंस कैसे होगी? लेकिन वो जो धुआं है वो यहाँ पे भी जाता है। अगर धुएं के अंदर, धुआं जहां से उठा है उसके अंदर कोई इंटेंशन है, अगर धुआं जिस चीज से उठा है वो कोई एक हर्ब है, आप अच्छा आपने सुजोक की बात करी तो सुजोक में भी तो आप मोक्सा का इस्तेमाल करते हैं, वो मोक्सा भी तो एक हर्ब है। एच ई आर बी के अंदर एच साइलेंट हो जाता है तो हर्ब कह देते हैं, हिंदुस्तानी लोग हर्ब कह देते हैं, है तो वही हर्ब को अगर जला दें उससे धुआं उठे। मेरी एक ज्योतिष की क्लाइंट है जो यूएस में रहती है, वो पहले एचपी में ऊना में पली बड़ी, उन्होंने बताया कि प्रभु जी यहाँ तो हमारे यहाँ तो एक पद्धति थी, जब जुकाम वगैरह होता था तो हम ऐसे ही हुक्के के अंदर लौंग और एक दो चीजें मैंने लिख के रखी कहीं वो डाल के बस हुक्का ले लेते थे और हमारा ये सारा जो है चेस्ट क्लियर, कंजेशन वगैरह सब क्लियर हो जाता था। तो हमारे जो स्किन के पोर्स हैं, ये मैंने स्टोरी इसलिए सुनाई आपको कि आपको ये पता लगे कि जरूरी नहीं है कि आपने मुंह पे मास्क लगा लिया तो कोरोना तो नहीं आएगा, वो बात ठीक है, लेकिन पोल्यूटेंट्स तो आपकी स्किन से भी ब्रीथ कर रहे हैं, बिकॉज योर स्किन इज ब्रीदिंग। आपने कभी सुना नहीं आपके माँ बाप ने कहते थे कि बेटा सिंथेटिक कपड़े मत डालो, कॉटन के डालो, थोड़े छेक वाले कपड़े डालो, बिकॉज यू नीड टू ब्रीथ, द बॉडी नीड्स टू ब्रीथ। तो वो जो हवन कर रहे हैं वो जो धुआं है वो आपके पोर्स अंदर ले लेते हैं, इसलिए कहते हैं दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। सो मे बी टुडे और टुमारो दिस साइंस विल अगेन बी रीजनरेटेड एंड वी विल बी एबल टू इफेक्ट द बॉडी फास्टेस्ट। क्यों? क्योंकि सिर्फ नाक से नहीं दे रहे, इंजेक्शन देते हैं तो वो एक जगह देते हैं, ये पूरी बॉडी में चला जाएगा, इसलिए ओके। तो क्यों के ऊपर हमारी डिस्कशन नहीं है, क्यों का जगत बहुत विराट है, तो उसके लिए हमें भी, हमारा कोर्स भी बड़ा होना चाहिए, तब क्यों के जगत पे मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से कुछ कुछ कारण आपको बता पाऊंगा जो कि कॉमन है, जो कि 90-95% केसेस में आपके लगेंगे। 5% केसेस में हमें भी तलाश होती है, हमें भी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है, पर जैसे जैसे हम कारणों को खोज निकालेंगे वैसे वैसे निवारण भी निकले जा पाएंगे। जी सरोज जी। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था, थैंक यू वेरी मच सर आपका बहुत टीचिंग। मुझे ये पूछना था कि जैसा आपने कहा कि कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो ये जो आपने वर्ड्स दिए हैं स्केलेटन, मस्कुलर, नर्वस, एंडोक्राइन, ठीक है, तो इसको हम बॉडी के पार्ट पे लगा के देखेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, या एक एक वर्ड के ऊपर लेके जाएंगे? अपनी इंडेक्स फिंगर लेंगे, फिर प्रश्न हाँ। उठेगा कि इंडेक्स फिंगर लेने की क्या जरूरत है, क्या जरूरी है कि इंडेक्स फिंगर ही लें? तो भाई कोई भी फिंगर जो भी आप लेंगे, कोई एक फिंगर तो लेंगे ना, तो वो एक फिंगर ले लें। अभी हमारे में ये नहीं है कि इससे ही तिलक लगाना है,
हमारी प्रथाओं के अंदर तो बड़ा कुछ है ना कि पानी यहाँ से छोड़ना है कि यहाँ से छोड़ना है, पितरी कर्म करना है तो यहाँ से छोड़ना है, वैसे यहाँ से भी छोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पे डाउजिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, डाउजिंग सिंपल है, जो आप लिस्ट में चलना है आपको एक पे फिर दूसरे पे फिर तीसरे पे फिर चौथे सिस्टम पे उंगली रखनी है। इज द एंडोक्राइन सिस्टम ओके, क्लॉकवाइज मींस ओके। इज द नर्वस सिस्टम ओके, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नर्वस सिस्टम। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द नर्वस सिस्टम, व्हिच डॉक्टर इज गोइंग टू हैंडल द प्रॉब्लम इन द नर्वस सिस्टम? अ न्यूरोलॉजिस्ट इज गोइंग टू हैंडल द प्रॉब्लम। बट इफ द नर्वस सिस्टम इज ओके, then which doctor is going to see a problem? The psychologist or the psychiatrist is going to address the problem. Now this is a big issue at my hospital, very big issue. देखिए front office जो है उसको बड़ी दिक्कत आती है, एक बंदा आया कि मेरे को sexual problem है, बताइए मैं कहाँ जाऊँ। अब front office वाले को दिक्कत आ रही है कि क्या वो उसको urologist के पास भेजे, gynecologist के पास भेजे, psychiatrist के पास भेजे कि psychologist के पास भेजे। सिमिलरली कोई बोलता है कि मेरे को कंटिन्यूअस हेडेक हो रहा है लो लेवल का, फिर फ्रंट ऑफिस वाले को दिक्कत आती है कि हेड का मामला है, क्या न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए या साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाए। तो ऐसे चीजों में इजीली डिसाइफर करना कि फर्स्ट चॉइस ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि फर्स्ट चॉइस ऑफ एक्शन में पैसा लग जाएगा ना, एफर्ट लग जाएगा व्यक्ति का, आपका तो कुछ नहीं किया आपने तो मुंह से बोल दिया, पहले एक ट्राई कर लेना फिर दूसरा ट्राई कर लेना, वो गाइड कर देगा। पर एक्चुअल जिंदगी में दिक्कत आती है, एक बंदा दूर बैठता है 15 किलोमीटर, आप जाएंगे 15 किलोमीटर आएंगे, एक दिन जाएगा आपकी कंसल्टेशन जाएगी और वो यही बोलेगा ना कि नहीं 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 आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, वो इसका कार्य करेगा। सो एज ए डाउजर एटलीस्ट वी हैव द स्किल्स टू जीरो इन कि भाई प्रॉब्लम जो है वो कौन से वाले एरिया में है, इतना कम से कम हम जांच पाए, अपने लिए तो जांच पाए, अपने लोगों के लिए जांच पाए और फिर हमारे क्लाइंट्स के लिए भी जांच पाए। तो अगर आप ये क्वेश्चन किसने लिखा है, शुभा जी ने जी, डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। जो मैंने पढ़ा था ग्रुप के अंदर भी एक क्वेश्चन लिखा था, हाउ टू क्लीन द पेंडुलम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको मैं कल एड्रेस करूंगा। सो द पॉइंट इज फिलहाल कि ये सारे सिस्टम्स को आप वन बाय वन ऐसे कोई भी लिस्ट हो, वन बाय वन उंगली रखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और डाउजर का रिस्पांस देखेंगे, फिर नेक्स्ट लिस्ट में जाए, लिस्ट की नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे, फिर पूछेंगे, फिर डाउजर का रिस्पांस देंगे, जहां पे आपको आपका उत्तर मिल जाए वो उत्तर आप क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। तो सर एक बात पूछनी थी, जो पेंडुलम के डिस्टेंस है पेपर का और पेंडुलम का, वो कितना होना चाहिए? देखो ऐसा है मैम कि ये अगर जरूरी होता, आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर ये जरूरी होता, इसके अंदर कुछ प्रावधान होते, कोई नियम होते, तो मैं आपको पहले ही लिख के देता नोट्स के अंदर या मुंह से बताता। अब क्या है, ये कुछ जगत ऐसा है जहां पे डिस्क्रेशन चलती है, जहां पे फ्री विल चलती है, जहां पे स्वेच्छा चलती है, तो आपको आपको ना वो देखना है कि मेरे को कहाँ पे कंफर्ट मिल रहा है। अभी क्या है, कई लोग हमें, मैं यहाँ इतने से डिस्टेंस पे, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर की बात करते हैं, तो मैं तो पेपर के इतने क्लोजली डाउजिंग करता हूँ पिछले 15 सालों से, यानी 1 इंच 1.25 इंच मैक्सिमम ऊपर, और मैं पकड़ता ऐसे हूं इतने डिस्टेंस पर मैंने देखा है कई बड़े अच्छे डाउजर्स हैं, किसी मायनों में मेरे से कम नहीं है, मुझसे ज्यादा ही होंगे, वो ऐसे पकड़ते हैं। मैं कहता हूं यार इसमें तुम्हें मूवमेंट जल्दी नहीं मिलेगा, तुम्हें देर लगेगी, बट दे डू इट लाइक दैट। सो द पॉइंट इज, ऑल्दो आई फाइंड दिस बेटर, पर अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप ऐसा करें, तो ये अपनी इच्छा को दूसरे पे थोपना हो जाएगा। इसलिए जहां कहीं पर भी ऐसी बात होती है, जहां मैं कोई अपना पर्सपेक्टिव देता हूं, जहां पे मैं अपनी सोच बताता हूं, तो मैं आपको सिर्फ ये कहता हुआ चलता हूं कि ये मैं इस तरह से करता हूं, आप चाहें इस तरह से करें चाहे किसी दूसरी तरह से करें, आपकी स्वेच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डायग्राम नहीं होता, अगर जो हेल्थ डाउजिंग के अंदर मैंने डायग्राम दिया, आपको डायग्राम से नफरत है, आप चाहते ही नहीं कि आप डायग्राम बनाओ, कोई बात नहीं, आप लिखो एरियाज ऑफ द बॉडी, हेड, नेक,
टॉर्सो आर्म्स लेग्स आर्म्स इज इक्वल टू अपर आर्म लोअर आर्म रिस्ट हैंड हैंड इज इक्वल टू फिर आप उसके अंदर मेटाटार्सल टार्सल डिस्टल फैलेंक्स प्रॉक्सिमल फैलेंक्स मिडल फैलेंक्स नेल्स ऐसे एक एक को करते जाएं और अंदर जाते जाएं। अब जब हैंड में प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर हैंड के अंदर मैं घुसूंगा क्यों, मैं क्यों पूछूंगा कि मेटाटार्सल में प्रॉब्लम तो नहीं है। जब पूरे हैंड में ही प्रॉब्लम नहीं है तो पहले रीजन में ही जाएंगे, रीजन में देखेंगे यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ प्रॉब्लम है, तो कैसे देखें उंगली रखेंगे, इज देयर अ प्रॉब्लम इन द हेड रीजन, नीचे हेड लिखा हुआ है अब डायग्राम नहीं है क्योंकि आपको डायग्राम पसंद नहीं है, आपने छोड़ दिया डायग्राम। तो इसी चीज को करने का ऑल्टरनेटिव तरीका भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए चाहे आप ये करें चाहे आप अपना कोई तरीके से करें, एक बेस तैयार चाहिए। बेस तैयार कैसे चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगली जो हमारी क्लास होगी मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास ये इस तरह के पेपर्स होते हैं, अभी मेरे पास वो फाइल नहीं पड़ी, तो मेरी प्रोफेशनल डाउजिंग शीट्स होती हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं। जैसे ये ज्योतिष वाला पेपर है तो ऐसी तकरीबन 30 शीट्स मेरी तैयार होती हैं ऐसी फाइल में, और मैं फटाफट से उसको देखता जाता हूँ और काम खत्म विद इन 5 मिनट्स। तो ये डाउजिंग चार्ट्स का मेरा तरीका है, मैं आपके साथ भी साझा कर दूंगा अगली क्लास में, मैं आपको दिखा दूंगा जिनको चाहिए होंगे। फिर हम मैं दीपक जी इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेंगे तो देख लेंगे कि इन लोगों को थोड़ा सा जिसको प्रोफेशनली करना है उसको आसानी हो जाएगी वो तो, लेकिन अदरवाइज आप अपना डेवलप करना चाहें तो भी हो सकता है, आप लिस्ट बनाना चाहें तो लिस्ट, लेकिन पहले से बना के रखें। उस टाइम नहीं लिखना शुरू करेंगे ना कि हेड भी होता है गर्दन भी होती है, कितनी देर लगेगी, ये तो कॉमन हो गया हर पेशेंट के लिए, आपको हर जो आपके पास पूछने के लिए आएगा हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ये चीज चाहिए ही चाहिए। सो इधर यू मेक योर सेल्फ, और अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा जिस किट का मैं इस्तेमाल करता हूँ, आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू, तो वो आपको ठीक लगेगी तो दीपक जी कुछ मैं बात करूंगा इनसे ही आपको अरेंज करवा देंगे। सर एक क्वेश्चन और बोलू सर। हाँ जी हाँ, ये पेंडुलम को जो डाउजिंग करनी होती है तो इसको एकदम इरेक्ट खड़ा करना होता है या इसको ऐसे घुमाना होता है या राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है? जी अगर आपने ही घुमाना है हाँ, तो फिर उसने क्या जवाब देना है? तो अब सीधा खड़ा करना है इसको। देखो डाउजिंग की जगत में बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा क्यों है, एक मिनट बचा है तो 5-10 मिनट तो हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्या? अभी क्लास खत्म हो गई है, एक्स्ट्रा अब एक्स्ट्रा है, कोई जाना भी चाहे तो जा सकते हैं, हमने अपना वादा जो था वो पूरा करा, अब जो गुफ्तगु है वो कुछ लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 8:30 का बोल के और आपको खबर दे रख रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो देखिए पेंडुलम को दो जगत में इस्तेमाल करा जाता है, एक जगत है डाउजिंग का, डाउजिंग का मतलब होता है जानना, आई वॉन्ट टू नो, अगर आपकी क्यूरोसिटी है किसी भी चीज में, क्यूरोसिटी किसी भी चीज में क्यूरोसिटी है, चाहे आप हिस्ट्री करते हैं चाहे आप जियोग्राफी करते हैं चाहे आप केमिस्ट्री करते हैं, जहां तक वो साइंस जाती है वहां तक तो आप जाएंगे, उसके आगे क्या करिएगा, उसके आगे का जो दिखता नहीं है उसको देखने का जो मार्ग है, टू नो बाय हुकिंग टू द नॉन लोकल इंटेलिजेंस, वो मार्ग का नाम डाउजिंग है, जो पेंडुलम का भी इस्तेमाल करती है, जो रॉड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर कुछ ना हो मैडम तो मैं अपनी उंगली से भी कर लेता हूं, ऐसे भी कर लेता हूं, ऐसे भी कर लेता हूं, और खड़े खड़े भी बोल देता हूं दीपक जी अच्छे हैं, अगर अच्छे हैं मेरे लिए तो मैं अपने आगे हो जाऊंगा ऑटोमेटिक, बुरे हैं तो पीछे। ये ज्यादातर ये जो चीज मैंने आपको अभी हल्की सी जिक्र करी है, काइनेसोलॉजी का सब्जेक्ट है बॉडी डाउजिंग, बॉडी ही जवाब दे देती है, डाउजर पेंडुलम की जरूरत ही नहीं है, एडवांस्ड विषय है, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, सिर्फ सुनने में
जो मजा है वो ले लीजिए। तो एक तो जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए ये पेंडुलम है, और जानने के प्रोसीजर को बोलते हैं डाउजिंग। एक ये इसके अंदर हम पेंडुलम की मूवमेंट को स्टडी करते हैं, जिस तरह की मूवमेंट आती है उसके हिसाब से हाँ या ना बोलते हैं। अपना दिमाग आंसर के लिए नहीं लगाते, ये बुद्धि बल का सब्जेक्ट नहीं है, ये सरेंडर का सब्जेक्ट है। इसलिए जो लोग भक्ति करते हैं उनके लिए ये 5 मिनट में आ जाता है, और जो बड़े रैशनल अपने आप को साइंटिस्ट बनते हैं उनको थोड़ी देर में आ जाता है। हाँ, उनको भी जाता है, ए को लिखना कितना मुश्किल है, लेकिन तो इसका आपका आंसर तो यहाँ पे खत्म हो जाता कि इसको हम हाथ से जान के नहीं हिलाते, ये अपने आप जो हिलेगा आपके प्रश्न पूछने पर तो ये उत्तर देगा, उस उत्तर को आप पहचानेंगे, उससे आप अपने मन की जिज्ञासा पूर्ण करेंगे। दूसरा नहीं भाई, बोलने के बीच में नहीं बोलेंगे, उत्तर सुनेंगे बीच में नहीं बोलेंगे, है ना। सॉरी सर, सॉरी ना कहें। तो अब बात ये आती है, दूसरा जगत है। दीपक जी ध्यान से सुने, एक बारी हमारी बात हुई थी तो मैंने आपसे कुछ चर्चा करी थी, वो अधूरी थी, आज चर्चा पूरी हो जाएगी इसके उत्तर से। एक दूसरा जगत है, वो है हीलिंग का जगत। हीलिंग के जगत को डाउजिंग के जगत से कोई लेना देना नहीं। आपकी मेरे को दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, मुझे पूरी बॉडी में दर्द हो रही है, चाहे आपका नर्वस सिस्टम खराब हो, चाहे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खराब हो, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो, आपका जो मर्जी, एक मिनट प्लीज शांत रहे, आपका जो मर्जी सिस्टम खराब हो, मतलब किससे है, पेन को ठीक करने से है। क्यों खराब है, कारण क्या है, कारण से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। ये होता है हीलिंग की दुनिया, और बहुत सारी हीलिंग पेंडुलम के माध्यम से भी होती है। तो हीलर्स भी पेंडुलम का प्रयोग करते हैं, पर आप गलती से भी इस पेंडुलम से हीलिंग मत कर दीजिएगा, ये इससे नहीं होती हीलिंग, ये मेटल की चीजों से हीलिंग नहीं होती। कई बार अपने ऊपर बात बड़ी उल्टी पड़ जाती है, तो नहीं रखने से पहले ध्यान रखने की जरूरत होती है। काम करती है मैजिकल, है मैजिकल, बट जिसको आती है वो आपको बताएगा, और वो दूर बैठ के हीलिंग के अंदर भी आपको ठीक करेगा। लेकिन हीलिंग के जगत के अंदर भी जब पेंडुलम को इस्तेमाल करा जाता है तो अपने हाथ से जान के मूवमेंट नहीं दी जाती 99%, 1% केस में दी जाती है जब हम किसी चीज को प्रभावित करना चाहते हैं। तो बहुत आगे चल के बहुत एक छोटी सी जगह ऐसी आती है, पर महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, जहां पर जान के इसको मूवमेंट दी जाती है, वरना पेंडुलम अपने आप मूव करता है, हम उसको मूवमेंट नहीं देते। जी प्रश्न, कोई और प्रश्न है? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना आपसे, पूछ सकते हो सर? जी जी सर, मेरे हस्बैंड सीकेडी पेशेंट हैं, करीबन 5 साल से, भारत जैन नाम है उनका, डेट ऑफ बर्थ 15/1/1972। सर 2 साल से डायलिसिस पर हैं, तो उनको क्या किडनी ट्रांसप्लांट उनके लिए सही रहेगा, या कुछ और तरीके से उनकी कुछ ट्रीटमेंट हो सकती है? अभी मैंने आपको बताया कि मेरी वो लिस्ट पड़ी होती है मेरे रूम में, जो ट्रीटमेंट रूम है, आज वो ट्रीटमेंट रूम में नहीं हूँ, आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें वो लिस्ट पड़ी होती है, उसमें से एक मिनट में डाउज करके बता दिया जाता है। क्योंकि देखिए प्रश्न है बड़ा सीरियस, तो उत्तर आपको चाहिए सीरियस कि कौन सी पैथी। अगर ये हो कि कौन सी पैथी, तो पहले पैथी की लिस्ट होनी चाहिए ना। हाँ जी, मिस्टर भरत जैन, डेट ऑफ बर्थ 15 January 1972। हाँ जी, हाँ जी सर। Will homeopathy suit him? No. Will naturopathy suit him?
अकॉर्डिंग टू मी नो, आप लोग भी देख सकते हैं. ओके, विल सुजोग सूट हिम, मेरे हिसाब से नो, आप लोग भी देख सकते हैं साथ साथ मेरे इनका प्रश्न. मैं भी उनको उतना ही जानता हूं जितना आप लोग जानते हैं मिस्टर भरत जैन जी को. 15/1/1972 में पैदा हुए. कैन एक्यूपंचर हेल्प मिस्टर भरत जैन? नो. कैन सम काइंड ऑफ एनर्जेटिक हीलिंग हेल्प हिम? यस. सम काइंड ऑफ एनर्जेटिक हीलिंग कैन हेल्प हिम. कैन थीटा हीलिंग हेल्प हिम? नो. कैन रेकी हीलिंग हेल्प हिम? एक रेकी हीलिंग में यस बोलता है. इसको हम आगे भी लेके जाते हैं, वेदर वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन हीलिंग और कैन एनर्जेटिक स्ट्रेस हीलिंग हेल्प हिम? नो. रेकी हीलिंग के माध्यम से ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर. Okay, और भी अगर कोई हीलिंग्स की आपके पास चॉइस हो तो उसको देखा जा सकता है. तो वो अपने आप को रेकी हीलिंग देना शुरू करें, उनको आती है तो अच्छा है, वरना मेरे YouTube चैनल से देख के सीख लें और शुरू करें. okay. सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम इसको शुरू करें. क्या है आज फन क्वेश्चन सर? सर एक क्वेश्चन सर पूछ सकते हैं? जी पूछिए नताशा जी. सर यहाँ पे जो सिर पे जब हम लोग ने टेस्ट वो किया ना तो एकदम बहुत ही नेगेटिव मतलब वो प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो वो कैसे उसको कुछ हील कर सकते हैं पेंडुलम से कि क्या कुछ कर सकते हैं? कहाँ से बोल रही हैं आप? सिर पे मलान बॉम्बे. बारिश हो रही है? नहीं. अच्छा आशा अरविंद छाटवन आप भी लिख लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ. आप क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ? ये प्रैक्टिकल करने का मौका मिल रहा है. एक बॉडी बनाइए, उसके बीच में लिखिए आशा अरविंद छबर CHHAT ये मैंने मेरे हस्बैंड के नाम लिख के किया था तो उनको यहाँ पे जो स्टार्ट किया ना. रुक जाइए, फिर अपने हस्बैंड का नाम बताइए. अरविंद. अरविंद छबर जी. क्या डेट ऑफ बर्थ है? 17th October 1951. अब देखो हमारे को क्या देखना है पहले कि हम सर पे उंगली रखेंगे तो क्या नेगेटिविटी है, हाँ कि ना. अगर इज द हेड ऑलराइट? नो. सम प्रॉब्लम? आप देखो आप लोगों को क्या दिखाता है. एक पहले एक फिगर बनाएं, फिगर के अंदर मिस्टर अरविंद छतबार लिखें, डेट ऑफ बर्थ 17 October 1951. अब देखिए अगर मैं बोलूंगा इज देयर अ प्रॉब्लम इन द हेड पोर्शन तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो बोलेगा हाँ. तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उंगली सर पे रख दें और ये नेगेटिव घूम रहा है. So it means that there can be some problem in the head region. हाँ मैडम आप क्या कह रही थी? आप प्रश्न बताइए. अब पहले आप लोगों का किसी का आ रहा है ऐसा? Excuse me sir. भावना जी हाँ कह रही हैं और कौन हाँ? Yes sir sir sir. Clockwise घूम रहा है sir. Clockwise sir. Anti clockwise. आपको मिला कुछ? Sir anti clockwise घूम रहा है. Sir मुझे भी मिला sir. मिला? Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. ठीक है अब बताइए पूछना क्या है मैम आशा जी. सर तो उसके लिए हम लोग मतलब मैं क्या कर सकती हूँ? उसको एंटी क्लॉकवाइज प्रॉब्लम दिखा रहा है तो सब तो पेंडुलम से कुछ उनको ट्रीट कर सकते हैं? नहीं मैडम वो तो अलग बात है. डाउजिंग कर रहे हैं. डाउजिंग का मतलब होता है जानना. डाउजिंग का मतलब हीलिंग करना नहीं होता है. लेकिन okay. अगर कोई हीलर है तो वो डाउजिंग करके अपनी हीलिंग आर्ट्स को बहुत आगे पहुंचा देता है और बहुत जल्दी. उसके लिए बहुत अच्छा है. लेकिन आप ये कर सकती हैं कि मेरे को इसके लिए पहले तो सर को डिवाइड करिए. देखो यहां तक तो ब्रेन का हिस्सा होता है ना.
इतने हिस्से में डिवाइड करें, फिर ये हिस्सा ले लें, फिर ये हिस्सा ले लें, भाई प्रॉब्लम है कहाँ? अगर इस हिस्से में प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके क्या करिएगा? दांत की प्रॉब्लम हो सकता है, दो तीन आ रही हो सकता है, हाँ कि ना? हो सकता है। तो पहले तो इसको डिवाइड करें। कान की प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, जब आदमी 50 साल का होता है तो 50 के आसपास कई लोगों को कान की प्रॉब्लम भी होती है धीरे धीरे करके। देखिए जवान आदमी 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे सुनने का नेचुरल ग्राफ, कोई डिजीज नहीं है, नेचुरल ग्राफ जो है वो 16,000 हर्ट्ज तक चला जाता है, सिर्फ 20,000 हर्ट्ज से नीचे गिर जाता है, तभी बड़े लोग कहते हैं जरा ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो, टीवी भी थोड़ा जोर से सुनते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि आप एरिया निकालें, तो एरिया निकाल लेते हैं अभी हम लोग, तो शक्ल बनाएं, उसको तीन हिस्सों में बांटें। किसकी शक्ल है? श्री अरविंद छतबार जी की, जो 17 अक्टूबर 1951 को पैदा हुए। अब देख रहे हैं कि पहले हिस्से में सर, पहले हिस्से में ही प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया, किसने जवाब दिया? सर इयर्स में भी प्रॉब्लम बता रहा है, आईज में भी प्रॉब्लम बता रहा है। एक मिनट, पहले जवाब किसने दिया था? सर मैंने, सर संदीप। संदीप जी बहुत बढ़िया, पहले हिस्से में ही प्रॉब्लम आ रही है सर, लेफ्ट साइड में। अभी साइड तो देखी नहीं, अभी तो सिर्फ हिस्से बांटे तीन, वन बाई वन चलना पड़ेगा ना, क्योंकि इतने सारे लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो सर पहले हिस्से में भी आ रही है, इयर्स में और आईज में भी आ रही बता रही है शायद। हाँ, लेकिन थर्ड पोर्शन में तो नहीं है, थर्ड पोर्शन में तो नहीं है। अब पॉइंट ये है कि अगर फर्स्ट पोर्शन में है तो फर्स्ट पोर्शन का डॉक्टर कौन? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ तो ठीक है, एक लिख लेते हैं, एक लिख लीजिए न्यूरोलॉजिस्ट। रात को नींद में कोई समस्या, स्लीपिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? तो दूसरा लिख लीजिए साइकाइट्रिस्ट, और तीसरा लिख लीजिए साइकोलॉजिस्ट। सेकंड में भी प्रॉब्लम है सर, फर्स्ट एंड सेकंड में है, थर्ड में नहीं है सर। थर्ड में नहीं है, राइट, एग्जैक्टली। इसका मतलब देखिए, जो रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं वही रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, वही रिजल्ट दो चार और लोगों को मिल रहे हैं जिन्होंने मतलब अभी रिस्पॉन्स करा, तो इसका मतलब चीज ठीक, कुछ तो ठीक होगा ना। अच्छा प्रूफ तब मिलेगा जब हम जो कहें दूसरा बंदा जाके टेस्ट कराए और उसको वो वहां मिले, तो ये प्रूफ हो जाएगा। या आपको बताया ना जाए और बोला जाए कि लड़के को चोट लगी है, आप बताइए चोट कहाँ लगी। जैसे मैंने आपको बताया आज का होमवर्क क्या है, आप अपने पति या बेटे या बेटी या हस्बैंड को बोलेंगे कि भाई दूसरे कमरे में जाओ, जोर से चूटी मारो एक जगह पे पूरी बॉडी में, और आपको बताना है कि उन्होंने चूटी कहाँ मारी, प्रोवाइडेड वो एरिया थोड़ा सा लाल हो गया तभी रजिस्टर होगा, वरना आपकी कॉपी पर रजिस्टर नहीं होगा। अब आप ऊपर से नीचे तक, इसने चूटी यहाँ मारी थी, यहाँ मारी थी, यहाँ मारी थी, यहाँ मारी थी, यहाँ आपने ठीक बताना शुरू करा, इसका मतलब आपकी डाउजिंग स्किल्स जो है अब जो है चरम सीमा पे पहुंच रही है, फिर आप जो है आइसक्रीम मंगाइए खाइए। अच्छा, और ना ना भी आए तो भी आइसक्रीम मंगा के खाइए, खुश रहना बड़ा जरूरी है, आनंदित होके सीखने का मजा अलग है। तो क्या मिस्टर अरविंद छतवार जी को कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या है? क्वेश्चन लगाएं क्या मिस्टर, हमेशा क्वेश्चन लगाने से पहले भगवान को हाजिर नाजर मान के प्रे जरूर करना चाहिए, ये हमारे कनेक्शन होता है। मैं आपको और टिप्स भी दूंगा लास्ट दिन सेवंथ डे कि कैसे हम सेशन ओपन करते हैं। तो क्या मिस्टर अरविंद छतबार जी को किसी तरह की कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या है? यस सर। क्या उनको कोई साइकोलॉजिकल समस्या है? दोबारा क्वेश्चन करते हैं। नो आ रहा है सर। अच्छा चलिए, साइकोलॉजी में तो नो आ रहा है और उसमें यस आ रहा था, क्या आ रहा है सर? सर मेरे को न्यूरोलॉजी में भी नो आया।
हाँ मेरे को तो न्यूरोलॉजिस्ट, क्या इनको कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या है? नहीं, मेरा तो नहीं आया। जैसे ही मेरा नहीं आया, मेरे मन में प्रश्न आ जाता है। मेरा भी सर नहीं आया। हाँ मेरे में भी नहीं आया। अब क्या प्रश्न आया सुनिए, मैं कैसे इसको, अगर ये मेरे पास ही आती और ये मुझसे ही पूछ रही होती और मुझे और कुछ ना आता, तो मैं क्या करता? सिर्फ डाउजिंग की दुनिया में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा हुआ मैं और क्या करता? मैं से पूछने की जरूरत नहीं है, वो भी डाउजर से पूछा जा सकता है, लेकिन फिर एक क्लाइंट के साथ बातचीत कैसे होगी? फिर तो अकेले ही रह जाएंगे, इसलिए कुछ कुछ बातें पूछ लेते हैं ऐसे। जैसे कि आशा जी, हाँ जी, कुछ देर से आपके हस्बैंड को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं? एक्चुअली फिलहाल तो हमारा कुछ भी कामकाज जो था वो बंद है 4 साल से। बच्चे लोग जो है वो लोग ट्रांसफर करते हैं, माने उससे चल रहा है हमारा। जी जी, तो देखिए मेरे इसमें आया था साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो मैंने इसलिए इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कोई स्ट्रेस होगा, रात को नींद डिस्टर्ब है ना कभी। अब देखिए नींद डिस्टर्ब के केस में क्या होता है, बड़े सारे पेशेंट्स आते हैं, इंसोम्निया है, प्रॉब्लम है, तो अगर इंसोम्निया में नींद ना आने पे दवाई दी जाए तो इट इज कॉल्ड मैनेजिंग द प्रॉब्लम। कश्मीर प्रॉब्लम को गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, सॉल्व तो नहीं हो रही। जब भी नींद ना आए दवाई खाओ सो जाओ, इससे कोई सोल्यूशन तो नहीं हुआ। सोल्यूशन होगा जो स्ट्रेसर है, या तो स्ट्रेसर खत्म हो जाए या लगना खत्म हो जाए तो बात खत्म हो जाएगी। एक बारी क्या हुआ, लास्ट लास्ट क्वेश्चन था, फिर बाकी कल लेंगे। एक बार क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता ने मिस्टर शर्मा के 2 लाख रुपए देने थे, तो मिस्टर गुप्ता सो नहीं पा रहे कि कल सुबह 2 लाख देने हैं, जेब में है नहीं। अपने पति को मैडम स्टोरी सुना देना, मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं आपके पति के लिए। मिस्टर गुप्ता ने मिस्टर शर्मा के 2 लाख देने थे, जेब में थे नहीं। ये थोड़ा सा अगर म्यूट कर लेंगे माइक तो मैं करता हूं, कर दिया। तो मिस्टर गुप्ता सो नहीं पा रहे। मिसेस गुप्ता रात को उठी 3 बजे, देखती हैं कि मिस्टर गुप्ता सो नहीं पा रहे हैं, ड्राइंग रूम में चक्कर मारी जा रहे हैं। उन्होंने पूछा गुप्ता जी क्या हो गया? गुप्ता जी ने कहा भगवान सुबह सुबह मुझे 2 लाख रुपए देने हैं, मिस्टर शर्मा को, मेरे पास है नहीं। कहते अच्छा कोई बात नहीं, ठहरो, मैं इतना परेशान नहीं देख सकती आपको, ठहरो। ठहर जाती। मिस्टर गुप्ता देखते हैं कि ये 2 लाख रुपए कहाँ से लाती है। तो 2 लाख रुपए तो नहीं ला सकती थी मिसेस गुप्ता, पर उन्होंने फोन लिया और फोन लगाया मिस्टर शर्मा को, और मिस्टर शर्मा को फोन लगा के बोला, मिस्टर शर्मा मेरे पति ने जो आपको 2 लाख रुपए देने हैं, वो 2 लाख रुपए अब उनके पास तो है नहीं, तो कल सुबह तो हम आपको दे नहीं सकते, पर यह जरूर है कि हमारी कोशिश है कि जैसे ही हमारे पास होंगे हम आपको जरूर देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर गुप्ता सो गए और मिस्टर शर्मा जागते रहे। तो जब किसी चीज की सॉल्यूशन ना हो तो वरी करने से अच्छा जाके बता देना कि भैया अपना बैंड बज गया, अब तुम जानो। उसके बाद सोने को आराम से मिलता है। तो डाउजिंग की दुनिया में हम यहीं तक इस चीज को देख पाएंगे। कल हम और आगे बढ़ेंगे, अपनी चर्चा को और लेके जाएंगे एक नए आयाम पे, देखेंगे कि कोई चीज अगर खो गई है, कोई व्यक्ति अगर गुम गया है, तो कैसे उसको हम ढूंढ सकते हैं डाउजिंग की मदद से। इन सारी चीजों पर और आपके प्रश्नों का और डाउजिंग किट भी, जो जैसे आज कुछ लोग पूछ रहे थे, उसका भी कल हम डिटेल में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नताशा जी कर लूंगा आपका प्रश्न।